एक अहम सवाल है जो बहुत सारे लड़के पूछते हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं, किसी कारण से गणित वो छोड़ दिए थे या गणित में कमजोर हैं, अब संभलने की कोशिश कर रहे हैं और उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि सर मैं जीरो लेवल से पढ़ना चाहता हूं, क्या करूं? और उनका पूछना एकदम लाजमी है, एकदम सही है, कहीं से भी वो गलत नहीं है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रश्न है। और इस स्वाभाविक प्रश्न का कारण क्या है, आज के वक्त में जो है सारी चीज जो है वो आपके YouTube पर सब कुछ उपलब्ध है। और चूंकि YouTube पर सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन इतना विस्तृत है कि समझ में ही नहीं आता है कि शुरुआत कैसे करूं, कौन सी चैप्टर उठाऊं, क्या करूं कि मेरी तैयारी जो है एकदम सही हो, समय की बर्बादी भी ना हो और सब कुछ सही तरीके से हो। तो इसमें मेरा जो कहना है वो ये कहना है कि आपको अगर तैयारी करना है तो फिर इस बात से है कि आप जो चाहते हैं कि कोई आपको बताए कि शुरू कहां से किया जाए, कैसे किया जाए, तो इसके लिए चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एकदम सही शुरुआत अगर करना है तो आपको कैसे करना है। तो देखिए, इसके लिए जो है मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले मैं पकड़ लेता हूं थोड़े देर के लिए, आप एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन बेसिक को सीखना होगा जिसे कैलकुलेशन का बेसिक कहते हैं। जी हां, बेसिक बहुत तरह के होते हैं, तो आपको सबसे पहले कैलकुलेशन की बेसिक सीखना होगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन की बेसिक आप नहीं सीखेंगे और कुछ और चीजों से शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में हो सकता है नहीं आएगा। और जब कैलकुलेशन की बेसिक को आप कर लेंगे तो फिर आपको दूसरा है कि सरलीकरण में जाना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन की बेसिक का जब आप एप्लीकेशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कैलकुलेशन की सारे मुद्दे आपको समझ में आ जाते हैं। तो शुरुआत आप कैलकुलेशन से करेंगे और कैलकुलेशन में क्या क्या पढ़ेंगे मैं अभी बोल रहा हूं, जस्ट इस स्लाइड के बाद ही बोलूंगा, लेकिन उसके पहले आप जान लें, पहले कैलकुलेशन को के बेसिक को करना है, फिर सरलीकरण को करना है, फिर जो है आपका सीधा आपको गणित नहीं करने जाना है, आपको चैप्टर के बेसिक करने हैं। तो देखो, बेसिक जो है वो दो चीज है, कैलकुलेशन का बेसिक और चैप्टर का बेसिक। तो पहले आपको कैलकुलेशन का बेसिक करना है, फिर सरलीकरण करना है, फिर चैप्टर के बेसिक को करना है। आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब कैलकुलेशन के बेसिक में क्या क्या करना है उसे हम जानते हैं। पहला जो उठाएंगे, भिन्न का जोड़ घटाओ गुणा भाग। देखिए, ये जो बेसिक्स हैं, कैलकुलेशन के बेसिक हैं, इसका मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, जिसका प्लेलिस्ट जो है मैं अभी डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, चाहे मेरा वाला कीजिए या किसी और का कीजिए, लेकिन शुरुआत करेंगे भिन्न के जोड़ घटाओ गुणा भाग से। उसके बाद करेंगे दशमलव का जोड़ घटाओ गुणा भाग, क्योंकि ये दोनों चीज जो है आप जब भी गणित करेंगे उसमें बार बार जरूरत होगा। तीसरा है देशी भाग, हम लोग में से बहुत कोई लोग भूल चुके हैं, लेकिन इसकी काफी ज्यादा जरूरत होता है, इसको लॉन्ग डिविजन मेथड बोलते हैं, इसे आप जरूर करेंगे। उसके बाद आता है चौथा काटना, मतलब किसी भिन्न के ऊपर नीचे के संख्या को कैसे काटा जाता है, उस पर बहुत सारे वीडियो हैं, सबके वीडियो हैं, आप किसी की भी वीडियो देखिए, चाहे मेरा देखिए या किसी और का देखिए, लेकिन थोड़ा देर लगता है या 10 मिनट में आप सीख लेते हैं, लेकिन उसके लिए पहाड़ा का सही ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद जो आता है
लघुतम समावर्तक निकालना, चाहे वो संख्या का लघुतम समावर्तक हो, चाहे वो दशमलव का लघुतम समावर्तक हो, चाहे वो भिन्न का लघुतम समावर्तक हो, तीनों का लघुतम समावर्तक निकालना आपको आना चाहिए। फिर आता है महत्तम समावर्तक निकालना, उसमें भी है संख्या का, दो संख्या का महत्तम समावर्तक निकालना, तीन संख्या का मौसा निकालना, देसी भाग विधि से महत्तम समावर्तक निकालना, संख्या का महत्तम समावर्तक निकालना, दशमलव का महत्तम समावर्तक निकालना, फिर आपका है भिन्न का महत्तम समावर्तक निकालना। उसके बाद जो आता है वर्गमूल निकालना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नहीं है दोस्त, कुछ चीजें हैं, आठ ही तो चीज हैं, उसे आप कर लेते हैं तो सारा कुछ हो जाता है। वर्गमूल निकालने के बाद आपको प्रतिशत निकालना सीखना होगा। तो इस तरह से ये आठ जब चीजों को आप कैलकुलेशन के सीख लेते हैं, ऐसे नहीं है कि कैलकुलेशन में और बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन शुरुआत दौर में अगर नहीं भी सीखते हैं तो वो आगे चलते चलते ऐसे ही सीख लेते हैं। तो लेकिन ये आठ चीजों को करना बहुत जरूरी है। चलिए उसके बाद जो है हम सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम बॉडमास के नियम को जानेंगे। सरलीकरण के पहले बॉडमास के नियम को जानना जरूरी है, और इसके बहुत सारे वीडियो बहुत सारे चैनलों में है, मेरा भी है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है। तो जब आप सबसे पहले कैलकुलेशन के बेसिक को सीख लेंगे, फिर सरलीकरण के बेसिक को सीखेंगे, बॉडमास के नियम को सीखेंगे, और 50 से ज्यादा जो है सरलीकरण पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अब जब सिंप्लीफिकेशन आपने कर लिया, अब उसके बाद हम आते हैं चैप्टर बेसिक। चैप्टर बेसिक का मतलब होता है चैप्टर बेसिक के मूल बातों को आप सीखते हैं, जैसे प्रतिशत के बेसिक को सीखते हैं, ठीक है ना। प्रतिशत के बेसिक में कैसे भिन्न से प्रतिशत निकाला जाता है, किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, एक प्रतिशत से दूसरे प्रतिशत में कैसे जाते हैं, ये जो छोटी मोटी बातें हैं इसको आप सीखेंगे। दूसरा है लाभ और हानि के बेसिक को सीखेंगे, ये काफी जरूरी है। तीसरा है लॉस के बेसिक, लघुतम समावर्तक तो आप निकालना सीख चुके थे, अब लॉस के बेसिक को भी निकालना आपको जानना है, जो सवाल में आते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, उसको शब्दों को पढ़ के उससे आपको पकड़ना कि लसा निकालना है कि मसा निकालना है, इस बात को आप जानते हैं। फिर मौसा के बेसिक को निकालना सीखते हैं, जब मौसा के बेसिक को निकालना सीखते हैं उसके बाद जो है आप समय और काम के बेसिक को सीखते हैं। देखिए ये आप पढ़ाई शुरू करने के पहले इन चैप्टर के बेसिक को पहले कर लेते हैं इसे, क्योंकि एक सवाल में प्रतिशत के बेसिक जब करने जाते हैं उसमें लाभ हानि भी जुड़ा हुआ है और दूसरे चैप्टर के मटेरियल भी जुड़े रहते हैं। फिर अनुपात समानुपात को निकालते हैं, उसके बेसिक को जानते हैं, फिर समय और दूरी के बेसिक को समझते हैं, फिर जो है आप ब्याज के बेसिक को समझते हैं। तो ये जब चैप्टर की बेसिक खत्म हो जाता है, अब आप तैयार हो जाते हैं किसी भी गणित की संपूर्ण तैयारी के लिए। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको शुरुआत कैसे करना है। अब चलिए हम देखते हैं, सवाल देखकर समझ में नहीं आता है क्या करें। इस पे मैं आज शाम को ही वीडियो बनाने वाला हूं। आप में से बहुत होंगे ये बेसिक तो मोटा मोटी सब जानते हैं, लेकिन मुसीबत क्या है कि सवाल देखकर समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं, आशा करता हूं कि वो आपके अंदर जो सवाल है कि अगर मुझे सवाल देखकर समझ में नहीं आता है कि क्या करें, उसका आपको समुचित जवाब मिलेगा। तो आपने समय दिया, इसके लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जाने के पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को नहीं दबाया है, तो कृपया उसे अवश्य करेंगे। ओके देन, बाय बाय। Thank you. Jai Hind.